सो हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो भाई लोगों, आज बहुत ही शानदार नेपच्यून ग्लो का ट्यूटोरियल आने वाला है, जो कि एक बिल्कुल नए प्रकार का है। तो ट्यूटोरियल आने में बहुत ही टाइम लग गया, लेकिन जो ट्यूटोरियल आया है काफी शानदार है, आपको देखने में मजा आने वाला और बिल्कुल नए तरह का ग्लो है। तो देखना जरूर, अपनी सांस से रोक के प्रीव्यू देख लेना। सांस से रोक ली, अभी मत रोको। तो भाई लोगों, अभी मैं आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक सेकंड चैनल ओपन किया है, स्क्रीम नाइट्स, जिसमें मैं हॉरर रिलेटेड कंटेंट, मतलब हॉरर रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही शानदार है, आपको पसंद आएगा। जिसको हॉरर चैनल, मतलब हॉरर कंटेंट पसंद है, वो जाके जरूर देखे एक बार। तो बिना किसी देरी के प्रीव्यू देख लो, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आपको एक ग्लो पसंद आया है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। अलाइट मोशन में आपको जो है बनाएंगे अपन। इसमें अलाइट मोशन में देखो, मैं फोटो में बना रहा हूँ। अब ये मत पूछना कि फोटो में क्यों बना रहा है, वीडियो में बना के दिखा। तो भाई प्रोसेस सेम है, फोटो में दरअसल मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। बाकी टेंशन दिमाग से निकाल लो, प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक है। अभी मैंने तुमको जो है एक XML दिया है, उसे जो है अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। बाकी तुम टेंशन मत लेना, फोटो और वीडियो का प्रोसेस सेम है। फिलहाल मैं जो XML दी है, नाम है रेनबो नेपच्यून इफेक्ट, जो भी है। कॉपी तीन लेयर लिखा है, 3-2-1, इनको कॉपी कर लो। और एक कॉपी इफेक्ट वाली लेयर है, इसके अंदर से इफेक्ट कॉपी करना है, ठीक है। ऊपर वाली तीनों लेयर और नीचे से इफेक्ट कॉपी करना है, और बस यहाँ पे पेस्ट कर दो तीनों लेयर और इस अपनी मीडिया के अंदर इफेक्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी अपनी लेयर का ना डुप्लीकेट करो और उस डुप्लीकेट वाली लेयर को ऊपर लेके आ जाओ। अब इसके अंदर ना देखो, ये जो है स्पॉट कलर एक बार हटा के देखो, कोई फ़र्क नहीं आया। तो स्पॉट कलर को ना हटा दो, ठीक है। चैनल RGB को रहने दो। तुमको इफेक्ट लेना है क्रोमा की, क्रोमा की से बाहर आओ और पहले नीचे वाली लेयर को हाइड कर दो। हाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर क्रोमा की लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से दिखेगी, ठीक है। अभी क्रोमा की में ना रेड कलर सेलेक्ट करना और इन्वर्ट के ऑप्शन पर दबा देना। इन्वर्ट दबाने के बाद क्या होता है ना, जो क्रोमा की का कलर सेलेक्ट किया है सिर्फ वही कलर तुम्हें स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो थोड़ा थ्रेशोल्ड बढ़ा दो, थ्रेशोल्ड देखो इतना रखना कि इसका हाथ और कोई भी स्क्रीन नहीं विजिट, मतलब जो है नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ अपना जो है इतना पीछे वाला हिस्सा ही दिखना चाहिए। इसके बाद ना तुमको क्या करना है, सॉलिड कलर वाला इफेक्ट लेना है। सर्च कर लेना सॉलिड कलर, सॉलिड कलर में कोई भी कलर ले सकते हो, तुम्हें कौन सा पसंद है वो डिपेंड करता है तुम पर। तो मैं वो ये जो है पीला पसंद आया तो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, मैच करता है दोनों कलर, इसलिए ये ले रहा हूँ। अभी इसके बाद ना तुमको जो है एक इफेक्ट और लेना है, इसका नाम है गॉशियन ब्लर। GAU लिखोगे तो आ जाएगा, गॉशियन ब्लर लेना है। इसके अंदर ना सेटिंग कितनी रखनी है, पहले में 55-60 इतनी रखनी है, ठीक है। अभी जो है तुमको क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग में लाइटन में लीनियर डोज कर देना है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट कर लो, ठीक है, एक और लेयर की है। अब इसके अंदर ना चेंज क्या करना है, गॉशियन ब्लर की सेटिंग कर दो 500, ठीक है, बस यही चेंज किया है। एक और तीसरी लेयर डुप्लीकेट करो और इसके अंदर गॉशियन ब्लर को करना है 2000 भी कर सकते हो, 2000 सही रहेगा, ठीक है, 2000 कर लेना। अभी एक और डुप्लीकेट करो, अब की बार पूरा अलग करना है, गॉशियन ब्लर ही अलग नहीं करना है, सबको जो एक बार जो है इनको जो कम कर दो, ठीक है, गॉशियन ब्लर को कम कर दो क्योंकि क्रोमा की अलग कर रहे हैं ना, इसको हाइट भी कर देते हैं, सॉलिड कलर को भी हाइट कर देते हैं। और क्रोमा की में ना अभी तुमको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है क्योंकि अपने को इसकी आँखें और जो इसकी ये पैंट में जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है इसको सेलेक्ट करना है ना, इसके अंदर ग्लो लाना है, इसलिए अपन ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो जमीन नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ इसकी जो ये पैंट है और इसकी आँखें ही दिखनी चाहिए। अब सॉलिड कलर जो है अनहाइड कर लो और इसके अंदर डाल दो ब्लू कलर। गॉशियन ब्लर में 80-85 सेटिंग है, सही है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब इसको डुप्लीकेट करो, सेम वही काम करना है, गॉशियन ब्लर को 500 कर देना है, गॉशियन ब्लर को यहाँ 500 करना है। इसके बाद तीसरी लेयर एक और डुप्लीकेट कर लो और इसमें गॉशियन ब्लर क्या करना है, 1000 करना है, ठीक है, बस बिल्कुल ऐसे करते रहना है। देखो तीसरे में जो है 1000-1200 रखा है और दूसरे में 500 और पहले में गॉशियन ब्लर 80-85 रखा था, ठीक है। अभी तुमको जो है एक एक्सपोजर वाला इफेक्ट इसके अंदर डाल देना है। एक्सपोजर वाले इफेक्ट से क्या होता है ना भाई, अब जैसे तुम्हारे ये ब्लर मैंने जो है 1200-1300 किया लेकिन बहुत कम विजिबल है, एक्सपोजर में जाके एक्सपोजर को बढ़ा दो तो तुम्हारा ग्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। अभी इस लेयर को डुप्लीकेट करो और अभी इसमें भी अपने को पूरी क्रोमा की अलग करनी है, तो एक्सपोजर को जो है बिल्कुल सबको हाइड कर देना है, आपको गॉशियन ब्लर को पहले कम करके हाइड करना, ठीक है, भले बाद में हाइड करके कम कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो है एक्सपोजर को भी हाइड कर दो, सॉलिड कलर को भी हाइड कर दो। क्रोमा की के अंदर ना तुमको अब सेलेक्ट करना है, इससे पहले एक इफेक्ट लेना है तुमको, देखो शार्पन, क्रोमा की सेलेक्ट करने से पहले तुमको शार्पन वाला इफेक्ट लेना है, ठीक है, ये पहले लेना है और इसको ऊपर लेके आना है बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ का तुम बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी गड़बड़ मत करना, शार्पन क्रोमा की के ऊपर रहनी चाहिए किसी भी हालत में।
और जो है इसकी सेटिंग 3.5 कर देना, ठीक है। अभी जो है सेटिंग की थी करनी है शार्पन में 3.5 आपको, ठीक है, अच्छे से दिखे इसलिए क्रोमा की को जो है अनहाइड कर लेना। अभी देखो क्रोमा की में आपको जाना है और आपको सेलेक्ट करना है वाइट कलर। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने शार्पन इसलिए लिया क्योंकि फिर इससे बॉर्डर के जो है ना एजेस दिखने लग गई वाइट, जिससे अपन वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे ना तो इनका मतलब देखना ये किस तरह का आएगा आपका वाइट कलर। अब आप देख सकते हो स्क्रीन में इसकी ज़मीन से कुछ लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, पूरी ज़मीन सिर्फ लाइनें सेलेक्ट हो रही है तो काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। सॉलिड कलर को अनहाइड कर दो। सॉलिड कलर के अंदर ना कलर कौन सा लेना है, पर्पल वाला कलर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। गोशन ब्लर वगैरह सब अनहाइड कर लो। एक्सपोजर वाले की ज़रूरत है तो ले लेना, बाकी नहीं हो तो मत लेना, ठीक है। अगली वाली लेयर में ले लेना अगर ज़्यादा ग्लो चाहिए तो, नहीं तो इसमें ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्सपोजर ठीक लग रहा है, इसको एक्सपोजर ले लेना, ठीक है। अभी डुप्लीकेट कर दो, फिर वही काम करना है आपको। इसमें से जो है गोशन ब्लर को कर देना है 500, ठीक है, सेम वही काम है। दूसरी लेयर के अंदर 500 करते हैं, तीसरी लेयर के अंदर 1200 बस। एक्सपोजर को यहाँ से निकाल देते हैं, ज़रूरत नहीं है। और सॉलिड कलर देखो तुम्हारा जो है पर्पल ही सही है, ठीक है। ब्लू कलर मैं यहाँ तुमको दिखा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को पर्पल ठीक लग रहा है, पर्पल ले रहे हैं तो थोड़ा चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपना काम बिल्कुल बढ़िया चला है। अब लास्ट वाली लेयर के अंदर गोशन ब्लर कितना करना है आपको पता ही है, 1200 तक पहुँचा दो, ठीक है। अभी बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, अभी तुम्हारे जो ग्लो है बिल्कुल रेडी है, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, सारी लेयर्स को अनहाइड कर लो। और हाँ सुनो, अगर आपको ग्लो ज़्यादा दिखाना है तो देखो ये कॉपी लेयर 2 है ना, इसके अंदर जाना और जो है एक्सपोजर गामा इफेक्ट है इसमें गामा को इंक्रीज़ करना है। इससे क्या होगा ना, आपका पूरा वीडियो डार्कन होगा और जो आपका ग्लो है ना वो ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपना वीडियो डार्कन करना है ताकि ग्लो ज़्यादा दिखे तो एक्सपोजर गामा वाला कॉपी लेयर 2 के अंदर से कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।